इतनी बड़ी राजस्थान में जीत, पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जीत, सबसे ज्यादा श्रेय किसे देना चाह रहे हैं? कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को या पदाधिकारी? नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को और नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं को सबको हम श्रेय देते हैं। जहाँ पे कांग्रेस को लग रहा था कि 5 से 7 सीटें निश्चित ही उनकी आएगी, उस तरीके से 25 सीटें पूरी बीजेपी के खेमे में गई है, एक तरफ से पूरा सूपड़ा साफ हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मुंगेड़ी लाल के सपने देखने का कांग्रेस वालों की आदत है, अभी भी छूटी नहीं है, अब छूट जाएगी। इतनी बड़ी जीत के बाद में आगे नगर निगम नगर निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम नगर निकाय के चुनावों में, पंचायत राज के चुनावों में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से कांग्रेस को इस हार का, इतनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा? आकलन तो कांग्रेस करे, हम काय को करेंगे? आपको क्या लगता है कुछ एक दो कमियां जो उनकी वजह से रह गई, या क्या झूठे वादे किए, बेरोजगारी का वादा जो किसानों से किया था वो पूरा नहीं किया, क्या कुछ रहा? सच्चाई के अभाव में झूठ बोलोगे तो उसका ठीकरा फूटना है। झूठी बातें 72,000 हर किसान को दे देंगे, मैं खुद किसान हूँ, कहाँ से दे देंगे? इतना बजट आएगा कहाँ से? बिना बजट के, बिना जानकारी के आप हवा में, राजनीतिक दल के लीडर्स को वही कहना चाहिए, माननीय बैरव सिंह जी शेखावत साहब ने सिखाया था, जो अगर उनकी खुद की सरकार बनती है तो वो उसको निभा सकें। नेगेटिविटी शुरू से आ गई, इसलिए वो उनके खुद की योजना समझ में खुद को ही नहीं आई तो दूसरों को कहाँ से आई। लिए थे हमारे साथ नरपत सिंह राजवी जो कि विद्याधर नगर से MLA हैं, जिनसे हमने बात की।